आप देख रहे हैं फिल्मी किचली, मैं हूं रूना आशीष। चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप और अरुणिता की। फ्रेंड्स, सितंबर मंथ चल रहा है, सर्टनली इट्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ सितंबर, लेकिन इस महीने में भी उनके शोज लगे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगे हैं, जो कि पहली बार इस कॉन्टिनेंट में जाना बचा था वो भी पूरा हो चुका है, तो वो वहां पर जाने वाले हैं। आप डेफिनेटली ये जानना चाहते होंगे कि कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, कितने बजे निकलेंगे, कौन सी फ्लाइट होगी। तो मेरे पास जो अपडेट आए हैं वो ये है कि अभी कुछ कागजी कार्यवाही है वो चल रही है, और उसके बाद जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद वो पहुंच जाएंगे। ये तो खैर बहुत नॉर्मल प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब बात ये है कि मैं मिली थी चॉकलेट पाई से, एंड बड़ी अनोखी सी मुलाकात हो गई थी मेरी। मैं एक इवेंट से निकल रही थी, कटप्पा वाली इवेंट से, और जैसे ही जा रही थी मैंने मॉल के पास में देखा चॉकलेट पाई है, मैंने कहा हाय हेलो, फिर हम लोगों की कुछ एक बातें भी हुई हैं, और फिर मैंने आपके दिल की बात उन तक पहुंचा दी। ओके, आपने हर बार मुझसे कहा है कि हम लाइव नहीं देख पा रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ कीजिए आप, चॉकलेट पाई को बताइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो मैंने फिर ये वाली बात कही उनसे कि भाई यार लाइव तो देखना चाहिए, मतलब हम लोग तो ऐसा तरस जाते हैं यार, एक दो पिक्चर दिख जाए तो भी उसमें हम खुश हो जाते हैं, और लाइव दिखेगा तो क्या बात हो जाएगी। सो फिर मैंने उनसे जाने की कोशिश की कि क्या लाइव में कहीं कोई टेक्निकलिटीज आ जाती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ एक चीज़ें बताई भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक शो का लाइव करना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो लाइव कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि आपके प्राइवेट शोज में जो है वो आयोजक जो है वो कहते हैं कि नहीं, पब्लिक ऐसे पब्लिकली लाइव मत जाइए, ये लाइव अलाउ नहीं किया जाता है, तो इसलिए कई बार वो इस वजह से भी लाइव नहीं कर पाते हैं। सेकेंड चीज़ ये आती है कि जो शो दिखता है उसमें सामने हमें पवन एंड अरुणिता दे आर परफॉर्मिंग ये दिखता है, वहीं साहिल है वो दिखता है, वहीं पर अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो दिखाई दे जाते हैं, अपने रंग में झूम झूम के उनका परफॉर्मेंस चलता रहता है। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी चलती है, इसके पीछे आयोजक के साथ, साउंड के साथ बहुत सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब चॉकलेट पाई उनकी कंप्लीट टीम है, ऐसा नहीं है कि इज़ द ओनली वन, उनकी कंप्लीट टीम में वो ऐसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि ये पार्ट तुम देखो, ये पार्ट तुम देखो, तुम पार्ट ये वाला देखो, तो इस तरीके से काम बांटकर वो काम करते हैं। लेकिन कई बार बैक स्टेज होना मैनेजर का इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो लाइव नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी समझाया मुझे कि कई बार हम सोचते हैं कि हम लाइव चले जाएंगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि यहाँ पर हम लोग पवन के लाइव के लिए कैमरा स्टिल कर देते हैं और फिर कैमरा सारा कैप्चर करता रहेगा, बट अब ये लोग कलाकार हैं यार, गाते रहते हैं, कहीं यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, मालूम पड़ा गाने की आवाज़ आ रही है और पवन नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, या अरुणिता है ही नहीं फ्रेम में, तो फिर वो बड़ा अजीब लगता है। फिर हमने कहा ठीक है भाई, ये भी एक रीज़न हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसे उन्हें रोक कर एक ही जगह पर खड़े रहो, दे आर इन मोड, दे विल मूव हियर एंड देयर ऑन द स्टेज। थर्ड चीज फिर उन्होंने बताया कि कई बार ये होता है कि हम साइड से कर लेते हैं ताकि पूरा व्यू दिखाई दे, लेकिन आसपास इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आती है। कई बार मैं साहिल के पास खड़ा हुआ था तो साहिल के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज ज्यादा आती क्योंकि वो पास में खड़े हैं, तो फिर पवन की आवाज कम आती तो वो भी लाइव ठीक नहीं लगता है। मैंने कहा हाँ ये बात भी है। फिर वो ये बोले कि कई बार पवन एंड अरुणिता स्टेज पर है, उनका काम परफॉर्मेंस देना होता है, उनका काम लोगों से कनेक्ट करना होता है, और पीछे खड़े होकर या साइड में खड़े होकर जस्ट ये देखना होता है कि पवन को कहीं किसी साउंड के अप डाउन की जरूरत तो नहीं है, या अरुणिता को किसी पानी की जरूरत तो नहीं है, या फिर उनको बहुत पसीना तो नहीं आ रहा है, या कुछ चेंज करना है, ट्यून चेंज करनी कुछ करना है, तो हर मोमेंट पे मुझे वहीं खड़े रहना पड़ता है, इसलिए मैं तो लाइव नहीं कर पाता हूँ। दूसरे टीम मेंबर्स को डेफिनेटली मैं कहता हूँ, लेकिन अरुणिता के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, पवन के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए, तो इस तरीके से कई बार लाइव मैनेज नहीं भी हो पाता है। तो इस बात की उन्होंने बहुत दिल से उनको बहुत बुरा लगता है ये कहते हुए, ही सेड कि हाँ मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं लाइव नहीं जा पाता हूँ, लेकिन बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हम चाहते हैं लाइव जाना, हम चाहते हैं कि जो पवन अरुणिता के फैन हैं, जो मिलकर पवन अरुणिता को इतना प्यार देते हैं कि आज वो जहाँ पर है वो उनको और हम्बल बनाते हैं, और पवन अरुणिता भी उनकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लेकिन ऐसी टेक्निकल चीज़ें हो जाती है, कई बार ये कारण, कई बार वो कारण, कई बार कोई और कारण, तो इस वजह से हम लाइव नहीं भी जा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी होती हैं जो प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं भी होगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत प्यार से आप लोगों को मैसेज किया है कि वी आर ट्राइंग टू गो लाइव,
बट अगर कभी लाइव नहीं भी जा पाते हैं तो इनमें से कोई एक कारण डेफिनेटली रहा होगा। फ्रेंड्स, मुझे भी ये लगता है कि जब कोई लाइव शो होता है तो बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं, लाइक पवन के साथ पवन की टीम का संभालना पड़ता है, अरुणिता अगर बैक स्टेज है तो उसकी सिक्योरिटी देखनी पड़ती होगी कि वो सही जगह पर बैठे ताकि अननेसेसरी कहीं कोई आने जाने वाले से टकरा ना जाए, ऐसा कोई ऐसी कोई घटना ना हो जाए, या जो इंस्ट्रूमेंट्स है कहीं उनको धक्का ना लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो हाँ, मैं सहमत हूँ इस बात से कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा होता होगा, बट वो जो मिसिंग फैक्टर है उसका क्या करूँ मैं तो बहुत मिस करती हूँ। मतलब जाजा के पुराने रील्स देखना, जाजा के पुराने गाने सुनना, कहीं स्पॉटिफाई पे चले जाना, मतलब पेट भरना पड़ता है अपना, लेकिन जो लाइव का मज़ा है वो तो लाइव का मज़ा है। तो ऐसे में हम बहुत प्यार से, मैं आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट करके आई हूँ कि यार कभी पॉसिबल हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो और इन दोनों के परफॉर्मेंस भी आसानी से चल रहे हो, स्मूथली जा रहा हो, तो थोड़ा सा लाइव दिखा दिया करो यार, मन प्रसन्न हो जाता है। अब इस पूरी बात के बारे में जो मैंने चॉकलेट पैसे की है और आपकी बात जो उनके दिल तक जो आपके दिल से निकली और उनके दिल तक पहुंचाई है, इसके बारे में क्या आप कोई और भी बात करना चाहते हैं? क्या और भी कोई चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं ताकि अगली बार कभी मैं मिलती हूँ, मुझे नहीं मालूम कब मिलना होगा, अगली बार कभी मैं मिलती हूँ तो चॉकलेट तक ये बात भी पहुंचा सकूँ आपकी। जय हिंद।